गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज से हम लोग ट्रायंगल स्टार्ट कर रहे हैं। ट्रायंगल में टोटल इतने टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। शुरुआत हम लोग एंगल इन ट्रायंगल से कर रहे हैं, उसके बाद साइन रूल, कोसाइन रूल, स्टीवर्ट थ्योरम और उसके एक्सटेंशन कहाँ कहाँ कैसे यूज होता है, फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल और उसके यूजेज काफ़ी तरीके से पूछा जाता है यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे, उसके बाद सेंटर ऑफ ट्रायंगल, सेंटर में चार पांच सेंटर होता है, इन सेंटर, एक्स सेंटर, सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल पढ़ेंगे, उसके अलग अलग उससे जो सवाल बनते हैं उसको पढ़ेंगे, आइसोसेलस ट्रायंगल पढ़ेंगे और राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ेंगे। फिर देखो सिमिलैरिटी कंग्रुएंसी कोई चीज़ नहीं है, बहुत सिंपल सी होती है, दो मिनट में एक्सप्लेन कर दूंगा। प्रॉब्लम क्या होती है, सिमिलैरिटी और कंग्रुएंसी को लगाना, देखना। तो इसको भी हम लोग कहीं पे पढ़ लेंगे छोटा सा, उसके जो सवाल होंगे वो एंड में कुछ कर लेंगे। इस तरीके से ऑलमोस्ट ट्रायंगल ख़त्म हो जाएगा। तो मैं आपको कोशिश करूँगा चीज़ों को कंसाइज रखूँ, ज़्यादा लेंथी ना बनाऊँ, तो मैं आराम से चीज़ें पढ़ाते जाऊँगा। मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाऊँगा, कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पढ़ाऊँगा। अगर आप ये क्लास पहली बार देख रहे हो तो यहीं पर स्टॉप करो, जाके लाइन एंड एंगल देख कर आओ, क्योंकि लाइन एंड एंगल बिना देखे आप इस क्लास को देखोगे समझ में नहीं आएगा। लाइन एंड एंगल के कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे यूज करूँगा। ये हमारा क्लास फाइव है, अगर आप क्लास फाइव में आए हो तो आपको एक कमेंट करना है, डिडिट सर। क्लासेस हमारी बेसिक टू हाई लेवल चल रही है, आपको हमेशा सीक्वेंस में क्लासेस को देखना है। PDF और आंसर की आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। अगर आपको पसंद आता है तो आप जिस किसी भी ग्रुप से जुड़े हो तो आप हमें सपोर्ट करें, हर जगह शेयर करें, जो भी आप जिस भी ग्रुप में जुड़े हैं उस ग्रुप में। और अगर आपको कोई भी पेड कोर्स के बारे में इंक्वायरी चाहिए तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करें। तो कोई यहाँ से अपना कॉन्सेप्ट 13 स्टार्ट होता है। कॉन्सेप्ट 13 हमारा जो है ट्रायंगल है। ट्रायंगल का पहला कॉन्सेप्ट है कि सम ऑफ ऑल एंगल 180 डिग्री होता है। अगर कोई बोले सर क्यों होता है, कैसे होता है, तो बहुत सिंपल सा प्रूफ है। अगर आपको प्रूफ करने का मन है तो कर सकते हो। BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो यहाँ पे, जो A पॉइंट को कट करते हुए जाएगी। अगर आपको पता होगा लाइन एंड एंगल में कि जो ये एंगल होता है वो इसके बराबर होता है और जो ये एंगल होता है वो इसके बराबर होता है। जब भी दो एंगल एक दूसरे को, दो लाइन को एक कोई भी लाइन कट करती है तो ये वाला एंगल इसके बराबर होता है और ये इसके। तो ये B है तो ये B हो जाएगा और ये C हो जाएगा। बहुत आसानी से, बहुत आराम से सबको पता है कि जो ये होता है कंप्लीट एंगल 180 डिग्री होता है, तो ये पूरा का पूरा 180 होगा। इट मींस कि ए प्लस बी प्लस सी 180 होगा। बहुत सिंपल है कि ट्रायंगल के तीनों कोण का योग 180 होता है। अगर किसी को ट्रायंगल का डेफिनेशन जानना है तो त्रिभुज, जिसको हिंदी में बोलते हैं, और तीन रेखाओं से घिरी हुई कोई भी आकृति उसे त्रिभुज कहते हैं। अशेप हिंदी में बता दिया, इंग्लिश में बता दो, कोई भी शेप जो तीन लाइन से ड्रॉ किया गया है उसी को हम लोग ट्रायंगल बोलते हैं। बहुत आसान है। मेन फोकस हमारा क्वेश्चंस रहना चाहिए कि उससे सवाल कैसे बनते हैं। जैसे पहला सवाल है कि इन द गिवन फिगर फाइंड द ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, सारे के सारे एंगल का सम बताओ। मुझे पता है कि ये DBF एक ट्रायंगल है, एक ACE एक ट्रायंगल है, और इस तीनों का सम 180 होगा और इस तीनों का भी सम 180 होगा। तो A प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ टोटल 6 का 6 मिला के 180 प्लस 180 360 होगा। बहुत इजी सा सवाल है, कोई बहुत डिफिकल्ट सवाल नहीं है। जिसको समझ में आ गया आगे बढ़ जाए। मैं एक बार और समझा देता हूँ कि मुझे पता है एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम जो होता है वो 180 होता है। तो ए प्लस सी प्लस सी 180 है और बी प्लस डी प्लस एफ 180 है, तो 180 प्लस 180 360 होगा। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको पॉज करना है, सॉल्व करना है। ये मेरी जिम्मेवारी बिल्कुल नहीं है कि मैं आपके सामने, सवालों के सामने खड़ा हो जाऊं। पॉज करके सॉल्व करो। सवाल क्या है कि दिए गए चित्र में a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी प्लस एच प्लस आई, वन नहीं आई, का वैल्यू क्या होगा? सर बहुत आसान है।
अगर मेरे से कोई बोले तो मैं एक बार इनको फोकस करूंगा। ये एक ट्रायंगल है सी बी आई 180 डिग्री होगा, चलो ठीक है। अब मैं बोला इनको फोकस करो, ये एक ट्रायंगल है जिसमें ई डी एच ये तीनों मिलके 180 होगा, तो मुझे ये और ये 180 प्लस 180 360 मिल चुका है। अब मैं अगर इस ट्रायंगल को फोकस कर दूं तो मुझे ए प्लस जी प्लस एफ ये भी 180 मिलेगा, तो 180 प्लस 180 प्लस 180 540 डिग्री मुझे तीन ट्रायंगल के एंगल का सम मिलेगा। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट सवाल को सॉल्व करो। नेक्स्ट सवाल है कि किसी ट्रायंगल एबीसी में ए माइनस बी 33 डिग्री है, बी माइनस सी 18 डिग्री है, तो सम ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज। किसी ट्रायंगल एबीसी में ए और बी का डिफरेंस 33 है, मुझे उतना नहीं पता, मुझे सिर्फ इतना पता है कि अगर वो ट्रायंगल है तो उसके तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। जी सर। मैं अगर बोलूं कि एंगल ए माइनस बी 33 डिग्री है, लग रहा है ना कि आंख का चश्मा का पावर बढ़ गया है, लगा रहा हूं तो दिक्कत हो रहा है। ए माइनस बी 33 डिग्री है, तो अगर मैं बोलूं कि ए क्या होगा, तो मैं ए को ऐसे बी उधर भेज दिया तो 33 प्लस बी होगा, बी तो बी है ही, सी क्या होगा, सर सी को क्या करता हूं, सी को इधर भेज देता हूं तो 18 प्लस बी हो, 18 प्लस सी हो जाएगा। अच्छा अच्छा एक काम करते ना, मुझे सी का वैल्यू निकालना है तो 18 को इधर लाता हूं, सी को उधर भेजता हूं, तो एंगल बी माइनस 18 जो होगा वो सी होगा। मैंने सबके सबको एक एंगल के टर्म में लिख लिया जिससे मुझे एंगल बी का वैल्यू निकालना आसान हो जाए। थ्री ऑफ एंगल बी बराबर होगा 33 से 18 गया 15, 165, 3 से कट गया तो एंगल बी जो मेरा आया 55 आया, और जैसे एंगल बी 55 आया तो मैं यहाँ से ए निकाल लूँगा, ए आ जाएगा 5 3 8 88, और यहाँ से सी निकाल लूँगा, सी आ जाएगा 55 से 18 गया 15 से 8 गया 7 और 4 से 1 गया 3 37। क्लियर है? जी सर। मुझसे बोला गया सबसे छोटे और सबसे बड़े एंगल का सम बताओ, सबसे बड़ा 88 सबसे छोटा 37, 8 7 15 यूनिट डिजिट 5 है, गेम खलास इस सवाल का। क्लियर? यस सर। अगले सवाल को सॉल्व करने का कोशिश करो, पॉज करके ट्राई करो। इन ट्रायंगल एबीसी में ए 110 है, डी और ई 2 पॉइंट है बीसी पर, सच दैट किसी ट्रायंगल एबीसी में जो एंगल ए है वो 110 डिग्री है, ठीक है, चलो एंगल ए को भी मिटाता हूं क्योंकि लाइन खींचना है। डी और ई 2 पॉइंट है बीसी पर, बीसी पर डी और ई 2 पॉइंट है, मान लेते हैं ये डी है और ये ई है, ये बी है और ये सी है, कुछ इस तरीके से है कि बी डी ए 140 डिग्री है, बी डी ए 140 है, और मेरे से बोला गया कि सी ई ए 120 है। अगर ये 140 है तो मैं आसान भाषा में बोलूंगा कि ये 40 है, क्यों सर, क्योंकि मुझे पता है ये कंप्लीट 180 होता है। अगर ये 120 है तो मैं आसान भाषा में बोलूंगा कि ये 60 होगा। जी सर, क्योंकि ये कंप्लीट 180 होता है। मैंने यहां तक कर लिया, अब अगले बात को देखते हैं। मुझे पता है कोई भी ट्रायंगल अपने आप में 180 डिग्री एंगल बनाता है, तो ये ए है, ये डी है, ये ई है, तो 40 60 100 हो गया, तो ये छोटा सा एंगल क्या होगा, 80, ये पूरा 180 बनाएगा। जी सर। अब मुझे बोला गया कि जो एंगल ई ए सी है वो बराबर है 2 ऑफ एंगल बी ए डी के। अगर मैं बोलूं बी ए डी को एक्स लिख रहा हूं, एक्स, तो जो मेरा ई ए सी आएगा वो क्या आएगा, ई ए सी 2x हो जाएगा। अब मुझे पता है कि जो मेरा एंगल ए है कंप्लीट 110 है, ये वाला पार्ट 80 हो गया, तो जो बचा हुआ दोनों पार्ट होगा मिलके 30 होगा। जी सर। तो x प्लस 2x 3x बराबर हो गया 30 के, तो x बराबर हो जाएगा 10, मतलब जो ये एंगल है वो 10 डिग्री है और जो ये एंगल है 20 डिग्री है। मुझसे बोला गया एंगल ए बी डी बताओ, एंगल ए बी डी बताओ, ए बी डी 30 डिग्री होगा, कैसे सर, ये एक ट्रायंगल बन रहा है जिसमें ये 10 है ये 140 है, तो ये दोनों मिलकर 150 हो गए,
तो तीनों एंगल मिलके 180 होना चाहिए, तो ये बचा हुआ 30 होगा। गेम खल्लास, बहुत आराम आराम से समझाया हूँ, एक बार पॉज करके समझना। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इससे स्लो पढ़ाऊँ तो फिर आपका बेसिक बिल्कुल वीक है, आप दो बार समझना। अगर आपको लाइन एंड एंगल का क्लासेस नहीं पढ़ा हुआ है तो ये सवाल नहीं समझ में आएगा, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट यूज होगा। ये दिए गए फिगर में एबीसी 51 है, ठीक है साहब, डीसीबी 20 है, ठीक है, और ये 40 है, ये भी ठीक है। डीएबी बराबर है 2 ऑफ डीएसी। अगर मैं बोलूं कि डीएसी मेरा एक्स है तो ये मेरा 2x होगा, एक्स नहीं लेते क्योंकि ऑलरेडी यहां पे एक्स है। अगर ये मेरा वाई है तो ये मेरा 2y होगा, मैंने डीएसी को वाई एज्यूम कर लिया तो वो मेरा 2y हो गया। जी सर, अब मुझे ये वाला फिगर आपने पढ़ाया था, इस फिगर का कॉन्सेप्ट ये था कि इस फिगर का कॉन्सेप्ट ये था 51 प्लस 20 प्लस 2y बराबर होगा 51 प्लस 20 प्लस 2y बराबर होगा x के। तो x बराबर क्या होगा, x बराबर होगा 20 प्लस 51 प्लस 2y, 71 प्लस 2y। घर से फोन आ रहा है भाई, मम्मी घर आएगी, फोन नहीं उठाता है। 71 प्लस 2y ये एंगल हो गया। मुझे पता है कि इस तीनों का जो जोड़ होगा 180 होगा, D, C और A का। अगर ये 71 प्लस 2y है, 71 और 40 111 तो निकल गया, तो 2y और y 3y किसके बराबर होगा, 69 के। 3y बराबर हो गया 69 के, तो y बराबर होगा 23। मुझसे पूछा है x का मान बताएं, मुझसे पूछा है x का मान बताएं, तो x का मान है 71 प्लस 23 दोनों 46, 117। समझ में आया कि नहीं, एक बार फिर से समझा दो, पॉज करो, एक बार कोशिश करो, फिर से एक बार समझाता हूं। मुझे पता है कि जो ये वाला एंगल है ना, वो क्या है, ये प्लस ये प्लस ये तीनों का सम इसके बराबर आएगा। जी सर, तो 20 प्लस 51 प्लस 2y 71 प्लस 2y है। अब मुझे पता है कि अगर मैं इस ट्रायंगल पे फोकस करूं तो ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल तीनों एंगल मिलके 180 बनाएगा, तो 71 40 111 ऑलरेडी बना चुका था, तो ये दोनों मिलके 69 बनाएंगे, तो 3y बराबर 69, y बराबर 23। जैसे ही y बराबर 23 आया, मुझे x का वैल्यू निकालना था, x बराबर 71 प्लस 2y, y का वैल्यू पुट करके x का वैल्यू निकाल दिया। क्लियर है? यस सर। कॉन्सेप्ट 14 पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट 14 है कि सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल बराबर होता है बाह्य कोण के, उल्टा के अंतः कोण बराबर होता है बाहर के कोण के। बहुत आसान है, अगर प्रूफ भी करना चाहो तो। कैसे प्रूफ करेंगे, देखो बहुत आसान है भाई, देखो चलो सिखाता हूं। अगर मैं बोलूं कि ये x है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस x किसके बराबर होता है, 180 डिग्री। जी सर, तो x किसके बराबर होगा, 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा। अगर ये मेरा 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा है तो ये क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। क्यों सर, क्योंकि इसका भी जो सम होता है ना वो 180 होता है, इसका भी जो सम होता है वो 180 होता है। अगर ये मेरा 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा है तो ये बराबर होगा अल्फा प्लस बीटा के। बहुत आसान है, जैसे प्रूफ करना चाहो कर लोगे, ये बहुत आसान है। क्लियर? यस सर। ये बात आपको याद रहना चाहिए, जरूरी नहीं कि फिगर वहीं पे बना रहा है, हो सकता है फिगर कुछ यूं बना के दे दे कि ये एक्स है ये वाई है, तो ये बोलोगे ये एक्स प्लस वाई होगा। हो सकता है फिगर कुछ यूं दे दे कि ये ए है ये बी है, तो ये ए प्लस बी होगा। तो इस तरीके से आपको दिखा कि एक एक्सटीरियर एंगल यहां बन सकता है, एक एक्सटीरियर एंगल यहां बन सकता है, और एक एक्सटीरियर एंगल यहां बन सकता है। आप इसको पहले नोट करो, इसको पहले नोट करो। नोट हो गया? जी सर। अब आपको दिखा कि तीन एक्सटीरियर एंगल बन सकते हैं। जी, जैसे मैं बोलूं कि ये मेरा एंगल ए है, ये मेरा एंगल बी है, ये मेरा एंगल सी है, मुझे कॉन्सेप्ट पता चल गया कि इस दोनों का सम यहां आएगा, इस दोनों का सम यहां आएगा,
और इस दोनों का सम यहां आएगा। जी हाँ, मुझे ये बात पता चल चुका है, तो मुझे एक चीज और पता होना चाहिए कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री होता है। ये ऑल पॉलीगन के लिए ट्रू है। कल को मैं अगर बोलूंगा कि कोई चतुर्भुज है, कोई क्वाड्रिलेटरल है, उसके भी चारों एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होगा। कोई पंचभुज है, पेंटागन है, उसके भी एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होगा। कोई षष्ठभुज है, हेक्सागन है, तो भी उसका सम 360 होगा। कोई सेप्टागन है तो भी 360 होगा। कोई ऑक्टागन है, फिर भी 360 होगा। ये हर पॉलीगन के लिए ट्रू है। जी सर, अगर आपको प्रूफ चाहिए तो आपको इतना पता है ना कि ए प्लस बी प्लस सी कितना है, 180 डिग्री। ये सबको पता है, बचपन से पता है, ये चीजों में कोई दिक्कत ही नहीं है। अब मैं अगर बोलूं मेरे लाल, मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया, तो ये ए प्लस बी, बी प्लस सी, ए प्लस सी, सबको जोड़ दो, कितना आया, 2a प्लस बी प्लस सी। ए और ए 2a, बी और बी 2b, सी और सी 2c, तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी 180 है, तो 2 इंटू 180 360 होगा। क्लियर? यस सर। जरूरी तो नहीं कि सिर्फ एक ही तरीका से एक्सटीरियर एंगल हो, एक और तरीका से एक्सटीरियर एंगल हो सकता है। चलो इस पॉइंट को छोड़ते हैं, एक स्लाइड लेता हूं, एक और कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, इसी पे सिखाता हूं, आप लोग पॉज करके इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। अब मैं उस पार्ट को सिखाता हूं जो मैं बताने आया हूं। मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूं, अगर ये लाइन आगे बढ़ा दूं, अगर ये लाइन आगे बढ़ा दूं और मैं ये लाइन आगे बढ़ा दूं, तो जो मेरा ये एक्सटीरियर एंगल होगा वो क्या होगा? बोलोगे सर ये ए प्लस बी होगा। बात तो वही है, ये ए प्लस सी होगा, और ये अगर मैं बोलूं ये, तो ये बी प्लस सी होगा। तो आपको घबराना नहीं है, आप जो पढ़े हो ना वर्टिकली अपोजिट एंगल, वही है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो आप दो तरीके से एक्सटीरियर एंगल ड्रॉ कर सकते हो, एक यहां यहां, एक वहां वहां। अगर सबका सम बोले तो एक बार ये तीनों मिलके और एक बार ये तीनों मिलके 360 360, 720 बना देंगे। बहुत आसान है ये, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको देखने सिखाया कि जरूरी नहीं है कि एक ही तरीका से हो, दो तरीका से आपको एक्सटीरियर एंगल दिख सकता है। ठीक है जी सर। देखो मेरे को ये ध्यान, मेरे को ऐसे नोट्स मिल नहीं रहा था कुछ भी, मेरे को ये किसी ना किसी एग्जाम का पूछा हुआ कॉन्सेप्ट है, कैट का पूछा हुआ है या CDS का, मुझे ध्यान नहीं है। मुझे सिर्फ इतना याद था कि इस तरीके से एक सवाल पूछा गया था कि यहाँ अल्फा था, यहाँ बीटा था, यहाँ गामा था, और अल्फा बीटा गामा में रिलेशन पूछा था। ये प्लस होगा, अल्फा बीटा गामा में एक रिलेशन पूछा था, तो मुझे इतना याद था कि अल्फा बीटा गामा में जो रिलेशन आया था कि अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा 180 होता है। तो मैं सोचा इसे एक अलग से लिख के आपको ध्यान दिला दो, कभी आपको अगर पूछेगा तो ध्यान रखना, ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, बहुत आसान है, बहुत डिफिकल्ट है नहीं। अगर मैं बोलूं ये एंगल क्या होगा, सर पूरा 180 बनाता है, अगर इतना अल्फा है तो ये 180 माइनस अल्फा होगा, पूरा 180 बनाता है, इतना बीटा है तो ये 180 माइनस बीटा होगा, ये प्लस ये प्लस ये, गामा प्लस 180 माइनस अल्फा प्लस 180 माइनस बीटा। अगर मैं किसी भी ट्रायंगल का, किसी भी त्रिभुज का तीनों एंगल को जोड़ूं तो कितना आएगा, 180 आएगा। 180 से 180 खत्म, अल्फा प्लस बीटा को उस साइड ले जाऊं तो गामा प्लस 180 बराबर होगा अल्फा प्लस बीटा। ये जरूरी नहीं कि फिगर ऐसा हो, कल को आपको घुमा सकता है फिगर, वो ऐसे ड्रॉ कर देगा कि इसको आगे बढ़ा देगा, इसको आगे बढ़ा देगा, ये बोलेगा P है, ये बोलेगा Q है, ये बोलेगा R है, तो P प्लस Q बराबर होगा 180 प्लस R के। वो आपको बस, इट्स ऑल अबाउट प्रेजेंटिंग द थिंग, कि आपको कैसे प्रेजेंट करके दे रहा है, वो उल्टा सीधा किसी भी तरीके से प्रेजेंट कर देगा, आपको देखने आना चाहिए। आई थिंक ऑलमोस्ट जो एक्सटीरियर एंगल होता है और ये एंगल होता है, दोनों का कॉन्सेप्ट सिखा दिया हूँ, एक कॉन्सेप्ट सिखा ही दिया हूं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। जी सर। अच्छा आप लोग एक कमेंट करना, क्या मेरे पढ़ाने से बोर होते हो कि नहीं, क्योंकि ये रिकॉर्ड है,
जितने लोग मेरे से पढ़े हैं ये बात बोले हैं कि सर आप बोर कर देते हो, प्लीज कमेंट करना अगर आप मेरे पढ़ाने से बोर हो जाते हो तो। चलो इस सवाल को सॉल्व करना, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप सवाल को पॉज करो, सॉल्व करो, मैं पढ़ाते निकल जाऊंगा, समझ गए ना। अगर मैं बोलूं कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल बराबर होता है एक्सटीरियर एंगल के, तो देखो अगर मैं इस ट्रायंगल पे फोकस करूं, अल्फा प्लस टू अल्फा किसके बराबर होगा सर, थ्री अल्फा। अब मैं इस ट्रायंगल पे फोकस करूं, किसका बात कर रहा हूं, इसका, ये तीन अल्फा कैसे हुआ समझ रहे हो ना, इस दोनों का सम। अब मैं अगर इस ट्रायंगल पे फोकस करूं तो तीन अल्फा प्लस तीन अल्फा किसके बराबर होगा, सिक्स अल्फा। सिक्स अल्फा बराबर 102 डिग्री, तो अल्फा बराबर है 17 डिग्री। मुझसे पूछा गया था अल्फा का वैल्यू बताया जाए, क्लियर है, यस सर। नेक्स्ट सवाल को सॉल्व करो, बोला है फिर से अल्फा का वैल्यू बताओ। अगर ये मेरा 55 डिग्री है तो मेरे को पता है वर्टिकली अपोजिट से ये भी 55 हो जाएगा, ये मेरा 50 है तो वर्टिकली अपोजिट से ये भी 50 हो जाएगा। और अभी अभी आपने सर पढ़ाया था कि इसका और इसका सम जो होता है इसके बराबर होता है, तो ए जो आया 105 डिग्री आया, क्लियर है, यस सर, एकदम क्लियर है, बहुत आसान है, बस डरावना फिगर था देखने में, आई थिंक सी डी एस का आया हुआ सवाल है। अगले सवाल को करो, CHSL 2022 का है वो सवाल। इन द फॉलोइंग फिगर OCD दिया हुआ है आपको, OBA दिया हुआ है आपको, X:Y 3:4 दिया हुआ है, आपसे पूछा है कि AOC और AOB का रेशियो क्या होगा। अगर मैं बोलूं इस एंगल का बात करता हूं पर्टिकुलर, तो ये जो है वो इसका एक्सटीरियर एंगल है जी सर, तो ये बराबर होगा x प्लस 50 के। और मैं ये बात करूं तो ये इसका भी एक्सटीरियर एंगल है, ये एंगल, इसको बढ़ाया गया तो इसका एक्सटीरियर है, और इसको बढ़ाया गया तो इसका एक्सटीरियर है। अब यही बात तो चल रहा था कि एक्सटीरियर एंगल होता है अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर, तो ये बराबर हो जाएगा वाई प्लस 40 के। तो आपको अगर बोला जाए तो वाई माइनस एक्स किसके बराबर है सर, वाई माइनस एक्स बराबर है 10 डिग्री। अगर मैं बोलूं y माइनस एक्स किसके बराबर है, तो 4 से 3 गया 1, तो 1 यूनिट बराबर है 10 डिग्री, तो 3 यूनिट बराबर होगा 30 डिग्री और 4 यूनिट बराबर होगा 40 डिग्री। मतलब x मेरा 30 है, y मेरा 40 है, मुझसे बोला गया AOC और AOB का रेशियो बताओ। अगर मैं बोलूं AOC क्या होगा, x 30 है तो 50-30-80 होगा AOC, और मुझसे बोला गया AOB, सर ये पूरा 180 बनाता है, ये 80 है तो ये 100 हो जाएगा, ये 100 ये 80, AOB और AOC का रेशियो निकाल दो, 80 और 100 का रेशियो हो जाएगा 20-4 के 100, 20-5 80, 4:5 न कि 5:4, सिली मिस्टेक नहीं करना है, क्लियर, यस सर। चलिए इस सवाल को सॉल्व करें, सवाल यह है कि ट्रायंगल PQR में QT इज परपेंडिकुलर टू PR, परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री। अगर मैं बोल दूं कि लाइन परपेंडिकुलर है इसके ऊपर, मतलब ये 90 डिग्री यहां फॉर्म कर रही है, 90 डिग्री यहां फॉर्म कर रही है, और पूरा 180 फॉर्म कर रही है। आपसे कोई पूछे परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, तो आप बोलोगे परपेंडिकुलर का मतलब है, गैंग्स ऑफ वासेपुर नहीं देखे हो का, हम परपेंडिकुलर हैं। चलिए परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री। इन ट्रायंगल PQR QT इज परपेंडिकुलर टू PR, तो कोई त्रिभुज PQR में जो हमारा QT है, QT मतलब वो वाला QT नहीं, यहां पर ये Q और T का बात हो रहा है, कोई QT का बात नहीं हो रहा है, सच दैट QT इज परपेंडिकुलर टू PR, मतलब यहां पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा जी सर। S इज ए पॉइंट ऑन QR सच दैट, S एक पॉइंट है QR पर कुछ इस तरीके से कि PSQ P डिग्री है। अगर मैं इससे इसे मिला दूं तो PSQ P डिग्री है, ठीक है भैया, इनको P डिग्री से डिनोट कर दो। TQR 46 डिग्री है, TQR 46 डिग्री है,
ठीक है भैया, इन्हें 46 डिग्री से दर्शा दो। एस पी आर 32 डिग्री है, एस पी आर 32 डिग्री है। मुझसे बोला गया कि बताया जाए कि वैल्यू ऑफ पी क्या होगा। बहुत आसान सवाल है। कैसे बहुत आसान है? देखो, अगर मैं इस ट्रायंगल पे फोकस करूं, किस पे? टी क्यू आर पे। ये मेरा 90 है, ये मेरा 46 है, तो बचा हुआ 44 होगा क्या? हाँ सर, 44 प्लस 46 प्लस 90 180 होता है। अब मैं बोला उन्हें भूल जाओ, अब इन्हें याद करो, पी आर पी एस आर को, पी एस आर को फोकस करो। जब आप पी एस आर को फोकस कर रहे हो तो जो एंगल पी है वो इन दोनों का एक्सटीरियर है, तो 32 और 44 जोड़ दो, 4 2 6 4 3 7, 76 डिग्री विल बी द सही उत्तर ऑफ दिस सवाल। क्लियर? यस सर, एकदम क्लियर है। हमें कोई दुख, कोई दर्द, कोई पीड़ा, कोई परेशानी नहीं है। इस सवाल को सॉल्व करो। ट्रायंगल एबीसी में डी इज अ पॉइंट ऑन द साइड बीसी। एबीसी ट्रायंगल में बीसी पर कोई पॉइंट डी है? जी सर। सच दैट एडीसी बराबर है 2 ऑफ एंगल बीएडी के। एक लाइन बोला गया है कि जो बीएडी है, अगर मैं इसे थीटा मान लूं तो एडीसी 2 थीटा होगा, एडीसी 2 थीटा होगा। यहां से हम लोग एक चीज कंक्लूड करेंगे कि अगर मैं एबीडी को देखूं, एबीडी को, तो इसका एक्सटीरियर एंगल है ये, तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तभी तो थीटा प्लस थीटा 2 थीटा होगा। चलो ठीक है। अगला लाइन बोला है कि एंगल ए 80 डिग्री है, होल्ड। एंगल बी 38 डिग्री है, ठीक है। अगर एंगल ए 80 है, एंगल सी 38 है, तो आप इतना प्यार से बोल सकते हो 80 और 30 118, मतलब जो बचा होगा 62 डिग्री ये होगा। कोई कंफ्यूजन है क्या? नहीं सर। एंगल बी 62 कहां से आया, समझ में आ गया? हाँ सर, ए प्लस बी प्लस सी 180 होता है, तो 80 38 62 180 होगा। थीटा का वैल्यू 62 है, तो ये भी 62 होगा, ये 124 होगा। पूछा क्या है, पूछा क्या है? ए डी बी बताओ। अरे हलवा सवाल, ए डी बी, ये 124 हो गया, तो बचा हुआ 180 बना दो, 56। ये अगर 124 हो गया तो ये बचा हुआ 56 होगा। टीयर 2 का सवाल है, क्या मजाक था। चलो इस सवाल को सॉल्व करो, इस सवाल को सॉल्व करो। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। एक और तरीका होता है, जितने कोने हैं उसे 4 माइनस करो, 5 माइनस 4, 1 × 180, 180 डिग्री आंसर। कभी मैं आगे पॉलीगन पढ़ाऊंगा तो प्रूफ कराऊंगा कैसे आता है। यहां पे मैं आपको दो तरीके से सिखाता हूं, एक आपको एक्सटीरियर एंगल से और एक आपको कैची कॉन्सेप्ट से। देखो पहले एक्सटीरियर एंगल से समझो, कैसे समझाएं, समझ में नहीं आ रहा है, चलो समझा देते हैं। मैं क्या करता हूँ ना, इन्हें ए से, इन्हें बी से, इन्हें सी से, इन्हें डी से, इन्हें ई से प्रेजेंट किया। अब मैं बोला इस ट्रायंगल पे फोकस करिए, इस पे फोकस कर दिए। हाँ सर। बोलू डी और बी का एक्सटीरियर एंगल ये है, हाँ, तो ये कितना एंगल होगा? ये होगा डी प्लस बी। इसमें तो कोई कष्ट नहीं होगा ना। अगर मैं बोलू आपको इस ट्रायंगल पे फोकस करना था, तो इसका और इसका सम, ये बाहर निकला हुआ, इसके बराबर होगा? जी सर। तो ये मेरा एंगल डी प्लस बी हुआ। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखना, लाल कलर को ध्यान से देखो। लाल वैसे भी दिख जाता है क्योंकि लाल कलर इसका कलर है। देखो अगर मैं बोलूं आप इस ट्रायंगल पे फोकस करो, कर रहे हो? हां। अगर मैं बोलूं ये सी है और ये ई है, तो इसका एक्सटीरियर एंगल ये होगा? जी सर। तो ये सी और ई होगा, सी प्लस ई। अब मैं बोलूं कि जब इन दोनों पे फोकस कर चुके थे, तो अब आप आ जाओ हरियाली पे फोकस करो। मैं अगर बोलूं इस ट्रायंगल पे आप फोकस करो, तो ये सी प्लस ई है, ये बी प्लस डी है, ये ए है, तीनों का सम 180 होता है? जी सर। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई 180 होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो आगे बढ़ूंगा, नहीं तो पॉज करके पीछे से देखो, और एक तरीका सिखाता हूं। चलो एक और तरीका सिखाता हूं।
कैंची कॉन्सेप्ट याद है? कैंची कॉन्सेप्ट, हाँ सर याद है। तो कैंची देखो कहाँ बन रहा है, ध्यान से देख रहे हो कैंची? अगर मैं बोलूँ ये एंगल क्या होगा, अगर ये ई है, ये डी है, ये बी है, तो ये एंगल बी प्लस डी प्लस ई होगा। और अगर ये बी प्लस डी प्लस ई होगा तो ये आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल के बारे में पता है जी सर, तो ये बी प्लस डी प्लस ई होगा, तो ये भी बी प्लस डी प्लस ई होगा। अगर ये बी प्लस डी प्लस ई है, ये ए है, ये सी है, तो आपको इस हरियाली कलर पे ध्यान देना है। देखो ये एक ट्रायंगल बन रहा है जिसके तीन एंगल है, एक ए है, एक सी है, एक बी प्लस डी प्लस ई है। तीनों एंगल का सम कितना आएगा? 180 डिग्री। आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, हलवा सवाल। चलिए इन्हें किया जाए। इन द गिवन फिगर दिख रहा है ये 20 है, ये x है, ये 160 है, ये 10 है, ये है। x का वैल्यू बताओ, पॉज करो, ट्राई करो। ये फिगर थोड़ा अटपटा नहीं दिख रहा है? चलो पहले अपने अकॉर्डिंग इन्हें सजाते हैं। अपने अकॉर्डिंग जब मैं सजाने आया, मैं बोला अगर इस c को आगे बढ़ा दूं, ऐसे कहीं तक आगे बढ़ा दिया अपने अकॉर्डिंग, ऐसे में c को आगे बढ़ा दिया। मैं बोला इस BD को भी अपने अकॉर्डिंग आगे बढ़ा दो, लो इसे भी बढ़ा दिया। जब मैं बढ़ाया तो मुझे ये पता चला कि मान लेते हैं किसी पॉइंट पे ये कट कर गए, हाँ। अब मुझे एक फिगर दिख गया सर, कौन सा फिगर? वही कैंची वाला। अच्छा हाँ, देखो अगर मैं बोलूं यहां से ध्यान से देखा तो ये फिगर बनते हुए दिख रहा है, हाँ। तो मैं बोलूं इस एंगल का वैल्यू क्या आएगा? 20 प्लस 80 प्लस 10, 110 डिग्री जी सर। और अभी अभी आपने बताया था 180 प्लस 110 बराबर होगा 160 प्लस x, मतलब आंसर 130 होगा। याद है सिखाया था कि दो एक्सटीरियर एंगल का सम, इसके साथ अगर 180 जोड़ दूं तो इस दो के एक्सटीरियर के बराबर होगा b प्लस c के। देखो अभी सिखाया था, पीछे चलो, हमें पता है भूल गए होगे, कोई बात नहीं। देखो कि दो के एक्सटीरियर का सम तीसरे के इंटीरियर के 180 के साथ सम के बराबर होगा, तो मैंने उसको अप्लाई कर दिया यहां पे। आपकी इच्छा के ऊपर है, नहीं भी अप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा। मैंने अप्लाई कर दिया, अगर नहीं अप्लाई करने का मन तो कोई बात नहीं। चलो मैं एक और तरीके से सिखा दे रहा हूं। ये 160 है तो पूरा 180 बनाएगा जी सर, तो ये छोटू एंगल क्या होगा? छोटू एंगल, अगर मैं इस ट्रायंगल को बाहर बना दूं ऐसे कुछ, कौन सा ट्रायंगल? इसको मान लिए ओ है, ये मान लिए ई है, और ये मान लिया डी है। तो ये जो बाहर निकला है 160 निकला है, तो अंदर कितना होगा? 20। ये अंदर 110 है, तो ये बाहर निकला हुआ क्या होगा? 110 प्लस 110 प्लस 20, 130। क्लियर है जी सर? एकदम क्लियर है। आगे बढ़े, बढ़ते हैं, पॉज करके अगले सवाल को ट्राई करो। अगला सवाल है कि यदि a प्लस बी प्लस एम प्लस एन 120 डिग्री है तो थीटा का मान बताएं। पॉज करो, ट्राई करो। अगर हम बोलूं ये a है और ये b है तो ये क्या होगा? सर ये होगा a प्लस बी। अगर मैं मान लेता हूं कि ये x है, क्यों माने सर? मुझे ये वाला फिगर दिख गया था, ये वाला फिगर दिख गया था, तो मुझे मिलेगा x प्लस एम प्लस एन बराबर 3 थीटा। और जैसे ही मैं इसे x माना था तो मुझे ये भी तो मिल गया था कि ये भी x है, क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। और जैसे ही ये x मिला था तो मुझे ये भी तो मिल गया था कि x प्लस थीटा बराबर होगा a प्लस बी के, क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल है। तो मुझे एक चीज और पता था कि x प्लस थीटा बराबर होगा a प्लस बी के। अब मैं अगर बोलूं मुझे मान किसका निकालना है, थीटा का, मैं x को रिप्लेस कर देता हूं a प्लस बी माइनस थीटा से, a प्लस बी माइनस थीटा से। x के जगह पर अगर मैं ये लिख दिया कि a प्लस बी माइनस थीटा प्लस m प्लस n बराबर है 3 थीटा, इस थीटा को उधर ले गया तो 3 थीटा प्लस थीटा 4 थीटा हो गया। a प्लस बी प्लस एम प्लस एन का वैल्यू 120 है, तो 4 थीटा बराबर है 120 के, तो थीटा बराबर है 30 डिग्री।
फोर थीटा बराबर 120 है, तो थीटा बराबर है 30 डिग्री। क्लियर? यस सर, एकदम क्लियर है। इस सवाल को सॉल्व करो, एसएससी सीजीएल 2022 का सवाल है। लाइन एंड एंगल का कॉन्सेप्ट है, आर क्यू जेड का वैल्यू निकालना है और बराबर है टू ऑफ क्यू आर एस का। क्या करेंगे सर, अगर ये 80 है तो ये भी 80 होगा बहुत आसानी से, अगर ये 120 है तो ये पूरा 180 होता है तो ये बचा हुआ 60 होगा, और अगर मैं इस ट्रायंगल पे फोकस करूं, किस पे? इस पे। तो इसका और इसका सम जो होगा इसके बराबर होगा, तो ये बचा हुआ 20 हो जाएगा, 20 प्लस 60 120 होगा, तो जो मेरा क्यू आर एस का वैल्यू है वो 20 आ गया, और जो आर क्यू जेड है वो बराबर है टू ऑफ क्यू आर एस के, तो 2 गुणा 20 आर क्यू जेड 40 हो जाएगा। इजी सवाल था, सी डी एस में थोड़ा अच्छे लेवल आता है, एस एस सी में ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आता है। क्लियर? यस सर, ये पहले ही बोल चुका है कि ये दोनों पैरेलल है, तो पैरेलल लाइन एंड एंगल का कॉन्सेप्ट है यार, इसमें क्या करना था। चलो इसे भी करो, पॉज करो, ट्राई करो। तीन लाइन है एक्स वाई जेड, तीनों पैरेलल है, ए एफ बी का वैल्यू भी निकालना है, ए एफ बी इसका वैल्यू निकालना है इसका। चलो करते हैं, अगर मैं बोलूं ये 125 है तो ये पूरा 125 होगा। जी सर, पूरा 125 होगा, लेकिन इतना 30 है तो ये बचा हुआ 95 होगा। जी सर, तभी तो ये भी 125 हो जाएगा, ये भी 125 हो जाएगा, क्योंकि दो लाइन के बीच में ये ड्रॉ किया गया है, तो ये एंगल बराबर इसके होगा। जी, अब मैं बोलूं अगर ये 80 है तो वर्टिकली अपोजिट से ये भी 80 होगा। जी सर, अगर मैं इस ट्रायंगल पे फोकस कर दूं तो ये 80 है तो ये 15 होगा, तभी तो इसका और इसका सम बराबर ये होगा, तो 80 और 15 95, मुझसे बोला गया था एफ भी बताओ 15 डिग्री होगा। क्या सवाल है यारा, क्लियर? यस सर, एकदम क्लियर है। नेक्स्ट सवाल को देखो, सॉल्व करो, एनटीपीसी का है वो सवाल है। ए बी पैरेलल है डीसी के, ठीक है, सी डी एफ पैरेललोग्राम है तो छोड़ दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सी डी एफ पैरेललोग्राम है नहीं है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ इससे फर्क पड़ता है कि एक्स का मान क्या होगा। आपको नहीं पता है पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज क्या होता है, हमको भी नहीं पता है, तब भी सॉल्व कर देंगे। आ जाओ, अगर मैं बोल दूं कि ए बी पैरेलल है सी डी के, जी सर, मैं सी डी को आगे बढ़ा दिया कुछ यूं, जैसे ही आगे बढ़ाया तो मुझे पता है अगर ये 65 है तो ये भी 65 होगा, और मैं बोलूं अगर ये 65 है तो पूरा एंगल जो होता है 180 होता है, तो ये जो एंगल होगा वो 115 होगा। जी सर, अगर मैं बोल दूं अब इस ट्रायंगल पे अगर मैं फोकस करता हूं तो मुझे क्या पता चला कि इसका और इसका सम जो होगा x के बराबर होगा, तो 115 और 30 145 डिग्री जो होगा वो मेरा x का वैल्यू होगा, x 145 डिग्री की है। ठीक है, इस सवाल को सॉल्व करो, ये भी एनटीपीसी का है वो सवाल है। x प्लस y का वैल्यू बताना है अगर DC पैरेलल है FG के, बहुत आसान सवाल है। मैं क्या करूंगा, देखो DC पैरेलल है FG के, कितना भी आगे तक जाएगा पैरेलल रहेगा, चलो FG के करीब ले जाते हैं, तुम मेरे इतने करीब आ जाओ। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि उसको करीब ले गया तो ये लाइन भी तो पैरेलल होगा एक दूसरे के, बोला नहीं है क्या? AD और BC, हाँ बोला है, AD और BC भी एक दूसरे के पैरेलल है, और जैसे ये दोनों पैरेलल है तो अगर ये वाई है तो ये भी वाई होगा। अरे वही कॉन्सेप्ट है कि जो एंगल ये होगा वही एंगल ये होगा, अगर इस लाइन को यहां उठा के रख दो, इस लाइन को यहां उठा के रख दो तो ये वाई होगा, तो ये भी वाई होगा, वाई हो गया। जी सर, और अगर मैं बोलूं कि जब एफ जी पैरेलल है डीसी के तो अगर ये एक्स होगा तो ये भी एक्स होगा। जी सर, इसमें कोई बड़ी सी बात क्या है, अभी वही कॉन्सेप्ट, इसको उठा के यहां रख दो, इसको उठा के यहां रख दो तो ये एक्स होगा, अगर ये एक्स होगा तो इस साइड वाला एंगल क्या होगा, 180 माइनस एक्स। ठीक, अब मैं यहां पे फोकस करता हूं, कहां पे फोकस करता हूं, यहां पे। इस ट्रायंगल को देखा तो 30 प्लस 180 माइनस एक्स 210 माइनस एक्स, ये एंगल हो गया, और मैं इसी एंगल को एक बार इस ट्रायंगल के नजर से देखा
तो ये प्लस ये बराबर हो गया, ये भी तो इसका भी तो एक्सटीरियर एंगल है भाई, और इसका भी एक्सटीरियर एंगल है। तो एक बार उसके नज़र से 210 माइनस एक्स, एक बार इसके नज़र से 40 प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई बराबर हो गया 210 से, एक्स से 40 गया 170। क्लियर है? यस सर, एकदम आसानी से क्लियर है। चलो अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल नहीं है, अगला हमारा प्रारंभ बैच है, प्रारंभ 2.2। अगर आपके कोई भी भाई बंधु यार प्यार मोहब्बत रिश्तेदार एक्स कोई भी तैयारी कर रही है, तो आप उससे कर रहा है या कर रही है, उसे आप बोल सकते हो अगर बेसिक से तैयारी करना चाहता है, सवालों को प्रूफ के साथ अंडरस्टैंडिंग के साथ समझना चाहता है, तो हमारा प्रारंभ 2.0 ज्वाइन करें, जो कि 2 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है। इसका अनाउंसमेंट अभी बाकी है, मैं आके करूंगा। अभी अगर ज्वाइन करेगा तो कुछ डिस्काउंट में मिल जाएगा। 2 जनवरी से स्टार्ट होगा और एडवांस मैथ से स्टार्ट होगा, जिसमें एलजेब्रा से स्टार्टिंग होगा। जी सर, अगर कोई अपकमिंग बैच मतलब नहीं ज्वाइन करना चाहता है, रनिंग बैच ज्वाइन करना चाहता है, तो मेरा प्रारंभ बैच चल रहा है जिसमें एरिथमेटिक में 2-3 चैप्टर छोड़ के ऑलमोस्ट अभी कंप्लीट हो गए हैं, 3 चैप्टर बाकी है। टीएसडी कल से स्टार्ट होगा, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हो इसी नंबर पे। प्रारंभ बैच के बारे में क्या ही बोलूँ, अभी तक आज तक जो भी बच्चे पढ़े उन्हें पता है, मैं ज़्यादा क्या बोलूँ मैं अब। और अगर आपका बेसिक क्लियर है, आपको सिर्फ स्पीड का इश्यू हो रहा है, प्रैक्टिस का इश्यू हो रहा है, कैलकुलेशन का इश्यू हो रहा है, अप्रोच करने का इश्यू, इस टाइप का प्रॉब्लम हो रहा है, तो आपके सामने स्पीड बूस्टर है। जल्दीबाजी नहीं है ज्वाइन करने का, एप्लीकेशन पर हमेशा एक चैप्टर फ्री रहता है, अगर जाओगे तो इसमें भी परसेंटेज फ्री होगा और इसमें भी परसेंटेज फ्री होगा। जाके तसल्ली से पढ़ो, पढ़ के डिसाइड करो ज्वाइन करना है कि नहीं करना है, और आपके अगर आसपास वाला कोई तैयारी कर रहा है तो उसे रिकमेंड कर सकते हो। अभी के लिए इतना ही, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा।